आपण सर्वप्रथम एका परमेश्वराला प्रणाम करू। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग परम पूज्य परमात्माए सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर नागपुरच्या वतीने बाबांच्या आदेशाप्रमाणे आज एका भगवंताचा नवा हवन कार्य आदरणीय गंगारामजी गडरिया यांच्या गंगाधरजी गडरिया यांच्या निवासस्थानात पार पडला आणि त्यानिमित्ताने एका भगवंताची चर्चा बैठक या ठिकाणी सुरू झालेली आहे। या बैठकीमध्ये स्वयं शक्तिशाली भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम। तसेच आपल्या सर्वांचे सद्गुरु व मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेवजी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम। तसेच आपल्या सर्वांच्या मातोश्री आई वाराणसी ह्या सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहे, त्यांना माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे मंचकावर उपस्थित आजच्या बैठकीचे अध्यक्ष मोदे आदरणीय दामोदरजी मोतुरे साहेब त्यांना सुद्धा माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंचकावर उपस्थित मंडळाचे मार्गदर्शक आदरणीय क्षीरसागरजी, आदरणीय मंडळाचे माजी संचालक शाहू साहेब, मंडळाचे मार्गदर्शक आदरणीय गद्रेजी, आदरणीय मोहाळीकरजी, त्याचप्रमाणे मंचकावर उपस्थित आदरणीय नकाते भाऊ, आदरणीय हरिन खेडे भाऊ, त्याचप्रमाणे मंचकावर उपस्थित अच्छेवार आपल्या मंडळाच्या मार्गदर्शिका आदरणीय अच्छेवारताई, त्याचप्रमाणे आमचे संचालक भाऊ आणि आदरणीय मंच खूप मोठा आहे, आदरणीय मंच मंडळाचे सर्व मार्गदर्शक कार्यकर्ता उपस्थित सर्व सेवक सेविका बालमित्र आपल्या सर्वांना माझा नमस्कार नमस्कार। अभी यहाँ पे आनंद भाऊ ने बड़ी सुंदर बात बताई है कि ये मार्ग किस प्रकार से अनुभव देता है और ये जागृत कृपा कैसे पल भर में करंट देती है, पल भर में सबको देती है, जिन्होंने मरने का वचन दिया और जिन्होंने मरने का वचन दिया और उस पर ना चलता है मानव, तो बाबा देखते हैं 24 घंटे हमें देखते हैं और ये मानव जब जब गलती करेगा उसको करंट मिलेगा और बाबा कहते हैं कि वो भगवान है, वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। अगर हम भी भगवान को वो वचन और वो कार्य प्रिय कार्य नहीं करते तो हम भी आज यहाँ तक नहीं पहुँचते। तो बाबा ने एक शरीर से यात्रा चालू की और परमात्मा तक पहुँचे, एक शरीर से यात्रा की और वही विनंती और वही प्रार्थना। तो इससे ये समझ में आता है कि ये जो विनंती है ये मैं और अहंकार को मारने के लिए बनी है और हमारी सुबह की पहला कदम हमारा पहला कदम मैं से ही होता है, मैं और अहंकार को मारते हैं और तब कई प्रार्थना फलित होती है जो शाम की प्रार्थना हम करते हैं। ये विनंती और प्रार्थना, कोई दूसरी आरती नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं जब इसके तरफ देखता हूँ और ऐसा लगता है, मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि पूरे संसार को इसलिए ज़रूरत है कि भारत जैसे देश को ज़रूरत, इतने सारे देवी देवता और ये जो मानव धर्म की उत्पत्ति हुई वैसी हुई, शरीर से आती है और परमात्मा तक रुकती है, शरीर तक शरीर से निकलती है। सारे लोग दुखी आए हैं और दुख हो सकता है मन को शरीर को, कई भावनाएं हो सकती है अलग अलग, हम अनुभव से इस मार्ग में आए हैं और मार्ग में आने के बाद जो परमात्मा ने परिचय दिया कि ये सेवक मैं, सेवक मैं को किसे मदद करता हूँ, है ना, और मैं मरने का जो वचन दिया ने मैं पहले ही दिन हमने मैं से शुरुआत किया। ये दुख, ये परेशानी, ये तकलीफ, ये तो ये जीवन का अधिकार है क्योंकि ये पूरी धरती संकट से घिरी हुई है। जब से धरती है, जो साइंस के स्टूडेंट में मालूम है 24 घंटे धरती के अंदर में ऐसे कहीं ना कहीं प्रक्रिया होती है, पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ना कोई प्रक्रिया होती है। बाबा इसको बोलते थे, ये जो सेवक है, ये जो मानव है, धरती पे आया है तो जाला बन के आया है, जाला पहन के आया है, जाला पहन के आया है, तो ये जो जाला है, ये जो फांसा है, फांसा लेकर आए है और इस फांसे से मुक्त होना है। तो बाबा कहते हैं, या बाबा कहते थे कि भगवान के सिवा और कोई चारा नहीं। ये दृष्टि बनने के लिए रोज हम विनती करते, रोज प्रार्थना, रोज साधे कर रहे, रोज हवन, कहीं ना कहीं दृष्टि टिके रहे क्योंकि यहाँ पे आत्मा भी है, ये बीज रूपी आत्मा भी है जहाँ पे संभावना है 100% नर नारी में। बाबा इसलिए तो किसी नर नारी को अपने पैर में छूने देते थे। बाबा को, बाबा का वो तपस्वी 30 साल के तपस्वी ने पैर पकड़ा तो उसको बोले, आप पैर छोड़ दो, हम तो परमात्मा आपके अंदर में ही देख रहे, बोले आप हमारे पैर पड़ना मतलब वो परमात्मा का अनादर है क्योंकि वो परमात्मा तुम्हारे अंदर है। बोले बाबा की दृष्टि देखो कितनी गहराई, बाबा की परमात्मा के प्रति
तो इतना नर नारी में, जैसे ही नर नारी आए बाबा कहते थे भगवत कृपा खड़ी है, दैवी शक्ति जागृत है, नर नारी में है, सब सेवक प्रणाम करे। तो बाबा भगवान कहाँ देखते थे? तो यहाँ पे ये जो बीज रूपी जो आत्मा है, इस बीज रूपी सब पूरे 900 करोड़ लोग पूरे संसार में सब में संभावनाएं देखी। बाबा जैसे अद्भुत गुरु, अद्भुत सदगुरु, जिन्होंने सब में संभावनाएं देखी कि सभी परमात्मा में, सभी परमात्मा से संबंधित है, इसलिए बाबा ने सबको इतना महत्व दिया, इतना महत्व दिया कि बाबा के बारे में अभी दामोदर जी मोहतरे बताएंगे कि किस प्रकार से किसी को अगर कोई महारोग हो गया, बस बॉडी से निकल रहा, उनको भी अपने पास बिठाते थे। यानी बाबा शरीर में तकलीफ देखते होंगे, लेकिन शरीर के अंदर में जो आत्मा है, आत्मा में जो परमात्मा है, उसका सीधा कांटेक्ट बाबा के साथ था। इतनी इतने गरीब लोगों के दुख को बाबा ने अपना दुख समझा, इतने गरीब लोगों के दर्द को अपना दर्द महसूस किया, है ना। खुद के दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, दूसरे के दर्द में तू आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं, तू दूसरों को खिलाना सीख ले। बाबा ने हमें इतना धन दिया, इतना कुछ दिया, तो ये जो अद्भुत कृपा है बाबा की हमें जो मिली है, ये अद्भुत कृपा है। तो इस प्रकार से हमें सिर्फ शरीर तक नहीं रुकना है। तो बाबा के भी परिवार में दुख थे, बाबा के भी परिवार में दुख थे, बाबा वहाँ तक नहीं रुके, बाबा उसके भी आगे गए, उसके भी आगे गए। ये समझना बहुत जरूरी है। मार्ग का जो रस है और गहराई में है, बाहर नहीं है। ठीक है, हम कैलकुलेशन करते कि मार्ग में आने के बाद मेरी बिल्डिंग कितनी बनी, है ना, मुझे पद मिला क्या नहीं मिला, मैं मार्गदर्शन बना क्या नहीं मेरा। आप अकाउंट करेंगे तो ये असली अकाउंट नहीं है, नकली अकाउंट। क्योंकि यहाँ संसार में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने पैर गड़ाने की पूरी तैयारी की थी, जैसे नेपोलियन है, हिटलर है, तुम्हारे सिकंदर है। सिकंदर ने तो पूरी दुनिया को अपना बनाने का संकल्प किया था, लेकिन सिकंदर भी धरती को अपना नहीं बना पाया। अंतिम समय जब आया, सारे डॉक्टर उसके आजू बाजू में रहते थे, सारे, जैसे वो माइकल जैक्सन के बाजू में 150 डॉक्टर की पूरी टीम रहती थी कि उसको किडनी फेल हो जाए तो तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट हो जाए, इतना करोड़ों सब कुछ। लेकिन उसकी इच्छा थी कि मैं 150 साल जिंदा रहूंगा। कितने साल? 150 साल। लेकिन वो भी 45 साल में मर गया, पूरी टीम उसको बचा नहीं पाई। बाबा यही तो बोलते गए बार बार। तो यहाँ की कोई भी अपना पैर जमाने की कितनी भी कोशिश करे, अभी तक तो कोई संसार में, इस पृथ्वी में अपना पैर जमा नहीं पाया। ये सिद्ध है, ये सिद्ध हुआ है अभी तक पूरे युगों युगों से। तो ये बाबा ने तो पहले दिन कि तुम मर जाओ, इसलिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि आगे बढ़ना है। कौन से? एक अंदर का रास्ता और एक बाहर का रास्ता है। बाहर में बहुत सारी चीजें, आप भी करके देखो, मैंने भी सारी चीजें करके देखा है। मराठी मन है पड़साला पाना तीन किसी का ही करा मनते तो पड़साले पाने कितना मनते तीन ही है। कितना भी कुछ बाहर के संसार में गड़बड़ करो, जो पलस का पेड़ है उसको पत्ते तीन ही आने, ठीक है। तो फिर असली रास्ता कौन सा है? बार बार, इसलिए बाबा ने बार बार उंगली दिखाए बाबा हनुमान जी के तरफ, बार बार उंगली दिखाया परमात्मा के तरफ। मैं कुछ नहीं बोलो, भगवान ही बोलो। अरे भगवान ने बाबा का परिचय दिया तो भी बाबा कहते कि मैं कुछ नहीं हूँ, ठीक है, वो परमात्मा है और तुम्हारे पास में बोले। तो इस पूरी रचना को आप देखेंगे तो बाबा ने अपने आजू बाजू में गर्दी नहीं, उतना ही महत्व मार्गदर्शक को दिया, उतना ही महत्व सेवक को दिया। एक सेवक बाबा के पास आया, बाबा बोले आज मैं कुछ अलग किया, बोले क्या किया? तो बाबा बोले मैंने आज बोले बाबा हनुमान जी के नाम से तीर्थ नहीं बनाया, बोले मैंने आपके नाम से बनाया, बोले तो भी दुख दूर हुए, बोले तो ऐसा करना था अपने नाम से बना लेना था, बोले तो भी दुख दूर होते थे। बाबा की दृष्टि देखो, बाबा की दृष्टि देखो, बाबा का भाव देखो, कितना महत्व दिया बाबा ने हर मानव को, हर सेवक सेविके को, सेवक सेविका, हर नर नारी को, बहुत सारा ये जो चरित्र है बाबा का। और ये दिशा बार बार बाबा अंतिम समय तक एक ही दृष्टि, एक ही दिशा, एक ही लाइन, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। तो गहराई में और जाना और जाना और जाना और बैठक में जाना, और ऐसा नहीं कि ये गढ़रिया साहब के 99 योग पूरे पक्के हो गए, नहीं, ठीक है ना। ये संसार है, क्योंकि एक तरफ संसार है, एक तरफ ये जीवात्मा है और एक तरफ परमात्मा है ना, तीन है। ये जीवात्मा जो है, ये आत्मा है, बार बार जो दिखता है उसकी तरफ ज्यादा जाता है, ज्यादा जाने का कोशिश करता है। इसलिए बैठक में जाना है कि दृष्टि भगवान के तरफ रहे, पद है, मान है, धन है, कितनी सारी चीजें हैं। तो बाबा ने संसार को अपने पीछे रखा, सामने भगवान को रखा, और बीच में खुद रहे, और बार बार सेवक को बोले देख, बोले भगवान दिख रहा है, तू संडास में दारू पिएगा भी तो भी कौन दिखेगा तेरे को, भगवान भी दिखेगा। तो किधर कुछ भी कर, भगवान को दिखेगा, मतलब दिखेगा उसको अफाट एक। और वो आंख बाबा ने देखी है, 3 महीने देखे, 1-2 दिन नहीं देखी, पूरे ब्रह्मांड में आंख देखी। और इसलिए बाबा ने कहा तू आगे बढ़ो,
बाबा बोलते थे कि मैंने किसी के पैर नहीं, और मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि लेकिन आप अपने जो जैसे इस मार्ग में आए तो सारे देवी देवता का हम जो घर में मूर्ति है उसका विसर्जन करते हैं। तो हम जब से छोटे थे तो किसी मूर्ति का विसर्जन करें तो तांत्रिक मांत्रिक आता था तो बोले तुम्हारे ऊपर ज्यादा पावर है, बोले ना वो तुम्हारा जो शैतान है वो मेरे ऊपर वार कर रहा है बोले। बाबा ने बोला कि कभी ऐसा इतने देवी देवता और कोई मार्गदर्शक किसी ने नहीं बोला कि तुम्हारे विसर्जन किया तो देवी मेरे अंदर में आई या मुझे तकलीफ दे रही, बोला क्या किसी ने? नहीं बोला। तो बाबा ने यही आत्मबल बढ़ाया कि कुछ नहीं बोले तुम्हारा भगवान, तुम आगे बढ़ो। जैसे एक महाराज थे जंगल में ऐसे धुनी लगा के बैठते थे, और एक लकड़िया गरीब लकड़िया लकड़ी लकड़हारिया वो लकड़िया तोड़ने के लिए उसी के पास जे जाते थे। उसको महाराज रोज बोलता था आगे बढ़ो आगे बढ़ो, इसको लगते पागल महाराज है। और वो बाजू में जंगल तोड़ता था, मेहनत करता था और अपना गुजारा करता था। वो रोज जाता था, रोज बोलता था आगे बढ़ो ये तोड़ता था। एक दिन उसको मन में रोज बोलता था, थोड़ा आगे जाके देखते बोले क्या है। तो वो आगे गए तो उसको चंदन का जंगल दिखा, रहे बाप रे बोले मैं तो सुन ही नहीं रहा बोले इनकी, बरोबर नहीं। उन्होंने चंदन की लकड़ियां तोड़ी और वो बड़ा आदमी बन गया, लेकिन वो रोज बोलता था आगे जाओ। अभी उसको समझ में आया बोले आगे जाने में फायदा है, बरोबर नहीं। और आगे गया तो उसको उसको चांदी की खान दिखी, फिर और आगे गया तो सोने की खान दिखी, और आगे गया तो यहाँ रुकना नहीं है। कुछ लोग दुख दूर हुए शरीर के बोले वाह 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 वाह, बाबा ने एक गाड़ी के दो गाड़ी किया काम खत्म बोले। अभी अभी अपन संचालक बन गए, अभी मार्गदर्शक बन गए, अभी रुक गए नहीं, इसके आगे और गहराई है और गहराई है, और खजाना है और खजाना है और खजाना है। जैसी प्रीत हराम से वैसी प्रीत भगवान से हो, चला जाए वैकुंठ में पल्ला न पकड़े कोई, बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही है। तो हमें इस मार्ग में आने के बाद बाबा को धनी धन दिखा, एक दिशा में योग योग दिशा, एक दिशा में भोगी भोग दिखा। बाबा ने एक दिशा पकड़ी हुई भगवान की दिशा, और इसके पीछे अगर हम भी पकड़ते तो आगे जाओ। इसलिए बाबा ने हर सेवक का आत्मबल बढ़ाया, इसलिए बाबा ने मंडल को अपना नाम नहीं रखा, किसका नाम रखा? सेवक मंडल। किसका नाम रखा? सेवक मंडल। इसलिए मंडल के मालक कौन कौन मालक है? सेवक है ना, सेवक मंडल, सेवक मालक। लेकिन अभी ऐसा महसूस होता कि संचालक मालक है, तो मालक कौन है? तो मालक समझना बहुत जरूरी है। और हमने संचालक लोगों को साहब बना दिया, साहब बोलते साहब साहेब उपस्थित झाले है ना, यांना नमस्कार, ठीक है। तो उनको भी समझ में आ गया, तो ये अज्ञान है। ये जब उनको पता चलेगा सब लोगों को, चाहे मार्गदर्शक हो चाहे कोई, उनको लगे मैं सेवाधारी मार्गदर्शक, मुझे मौका दिया, ये मेरा भाग्य है। जो भाग्य में अपने नहीं बना सकता था, बाबा की कृपा से भाग्य हुआ कि मैं दिन दुखियों को जो बाबा करते थे वो मुझे मौका मिला बाबा के ही तत्वों को नियमों को और दूसरी आत्मा तक पहुंचाने के लिए, और दुखी कष्टी लोगों को दुख से छुड़ाने के लिए ये मौका मिला। संचालक को और ज्यादा व्यक्तित्व अपना बनाना है कि और रास्ता ये होगी, 52,000 सभासद है उनका नेतृत्व करने का मौका मिला, इन्होंने और अपने भाग्य समझना चाहिए और झुके और झुकते हुए और झुकते हुए और झुकते हुए रहना चाहिए, इतना झुका हुआ महसूस करना चाहिए कि उनको समझना चाहिए कि ये बाबा की अपार कृपा मेरे ऊपर भी। तो पुण्य और पाप ये दोनों साथ में चलते हैं, हमें समझना है कि भाग्य है। पुण्य खत्म हो जाएगी एक दिन तो बारी है, एक दिन तो बारी है बोले खाली का खाली रह जाएगा बोले तू। तो बाबा ने जो असली खजाना असली धन जो बताया है उनको, अरे बोतल पर बोतल पीने से क्या फायदा, रात को पी ली सवेरे उतर जाएंगे। अरे तू बाबा ने देवे तत्व शब्द नियम की हरी रस की प्याली पी ले तो तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी सुधर जाएगी सुधर। तो ये जीवन का आनंद है। अभी आनंद भाव ने बताया, उनका नाम भी आनंद है, और बाबा ने जीवन का उद्देश्य बताया। ये जीवन का उद्देश्य क्या है होता है ना, तो उद्देश्य जब हम एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान पकड़ते तो आनंद की प्राप्ति होती है, जो आनंद भाव का आनंद नाम है ना। और उनके बेटी का भी नाम बड़ा अच्छा है, क्या बताया उन्होंने? इच्छा, सब इच्छा पूर्ण होती है, क्योंकि संसार पीछे हो जाता है, मान सम्मान सुख पद सब हमारे पीछे दौड़े, वो बाबा का सेवक। ये अद्भुत शक्ति है, हम सब लोग इस शक्ति को समझे। जागृत कृपा है, करंट है, इतना करंट है। मैं तो कई बार अनुभव किया, कई बार भगवान ने मुझे ऐसा आपट आपट गिरा गिरा के मारा है, ठीक है ना। इतना अद्भुत करंट है और उतनी जोर से उठाता भी है, जैसी दृष्टि बदल गई और नजारे बदल, नजर बदली नजारे बदल देगा, कित्त बदली किनारे बदल देता। आपको इधर से कब कर देगा भरोसा नहीं, उधर से इधर कब करेगा एक पल में पता नहीं चलेगा आपको ना। इतनी अद्भुत कृपा है ये, आप इसको समझे। ये अनुभव का मार्ग है, हमें मालूम है, आज नहीं तो कल बाबा बोलते थे एक दिन तो बारी है बोले, अभी समझेगा तो ठीक है बोले, नहीं तो अंतिम समय में बाबा की याद आएंगी बोले। किसकी याद आएंगी? कि बाबा ने बताया क्या और मैंने किया क्या, ठीक है ना। इसका हिसाब देना है सबको, एट टू छेव, जिन्होंने बाबा को वचन दिया, बाबा का आत्मा का टच जिस सेवक के आत्मा से है, इन सबको हिसाब देना है। इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।